करना क्या है? सिर्फ यही तो करना है, अंदर आत्मा को बेच देना है, जमीन को बेच देना है और कहना चलो हम भ्रष्टाचार की बुनियाद पर तुम्हारे साथ समझौता करते हैं। और आज चाहे वो कृषि मंत्री हो, चाहे वो जितने भी लोग हमारी पार्टी से गए हैं, ये सारे लोग आपके लिए नहीं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए और इस धन दौलत के लिए, आपके जमीन को सौदा करने वाले लोग हैं। इसलिए एक तराजू के एक पल्ले में ऐसे लोगों को रखो और एक तराजू के पल्ले में प्रदीप यादव और बाबूलाल मरांडी को रखो। हम यकीन के साथ कहते हैं कि जिस तराजू के पल्ले में बाबूलाल मरांडी की ईमानदारी और प्रदीप यादव का जुनून और रुतबा रहेगा, वो पल्ला छुटा रहेगा और बेईमानों का पल्ला उठा रहेगा। ये मेरा विश्वास है, इसलिए क्योंकि सच्चाई की जीत होती है। राह में खतरे भी हैं, राह में खतरे भी हैं, मगर ठहरता कौन है? राह में खतरे भी हैं, मगर ठहरता कौन है? अरे मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है? मौत कल आनी है, आज आ जाए, डरता कौन है? और तेरे लश्कर के आगे प्रदीप यादव अकेला है, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है, मरता कौन है। और ये फैसला आपको करना है, आप जैसे लोगों को करना है, यहाँ के सम्मानित नौजवानों को करना है। मैं साथ में था, प्रदीप जी के चेहरे को देख रहा था, प्रदीप जी के साथ एक घंटा गुजारने का अभी अभी मौका मिला। प्रदीप ने कहा, ओ प्रदीप भाई को मैं सैल्यूट देता हूँ, एक प्रदीप यादव जयंती सलाहों में है, लेकिन प्रदीप यादव को ये गर्व है कि पुरैया हाट में कितना नौजवान है उसके चेहरे पर प्रदीप यादव बसता है। इसलिए हजारों प्रदीप यादव के क्षेत्र में घूम रहा है, वो गरीबों की लड़ाई लड़ेगा, लड़ेगा और तब तक लड़ता रहेगा जब तक हमारे गरीबों के मान सम्मान को वापस ले लिया नहीं जाए। इसलिए थोड़ा संघर्ष है, थोड़ी कठिनाई है, लेकिन मेरे भाई आने वाला जो चुनाव है ये चुनौती भरा चुनाव है। हमें अफसोस इस बात का है कि संसद में क्षेत्र में यहां का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो कैसे लोग हैं, वो कौन लोग हैं? क्या ये सच्चाई नहीं है कि उनके जमानों से गरीबों की आवाज नहीं निकलती? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जिस व्यक्ति का नाम निशिकांत दुबे है वो ड्राइंग रूम में बैठकर यहां के गरीबों के साथ, यहां के नौजवानों के साथ करारा मजाक करता है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि पूरा गोड्डा का क्षेत्र जो हरियाली में बदलना चाहिए, यहां रोजगार मिलना चाहिए, वो संथाल पड़ना जहां पर नौजवान पलायन करके दिल्ली और मुंबई जा रहा है, जहां का जवान, जहां का नौजवान को रोजगार मिलना चाहिए वो अपने मां बाप को छोड़कर दिल्ली और मुंबई जाने पर मजबूर है? कहते हो हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम डायरेक्ट नरेंद्र मोदी जी से बात करते हैं, कहते हो कि हम दिल्ली की सरकार में बैठते हैं तो गोड्डा की बात करते हैं। सांसद महोदय, आप गोड्डा की बात नहीं करते, आप इस क्षेत्र के नौजवानों की बात नहीं करते, आप गरीबों की बात नहीं करते, आप बात करते हैं तो गौतम अडानी की बात करते हैं, आप बात करते हैं तो पूंजीपतियों की बात करते हैं, आप बात करते हैं तो गोड्डा को कैसे लूटा जाए इसकी बात करते हैं। और इसलिए आप सबको मिलजुल कर एक ऐसा माहौल बनाना है कि प्रदीप यादव जी को हमें पुनः एक बार मजबूरी नहीं बल्कि यह हमारा मान सम्मान होगा, प्रदीप यादव को पुनः एक बार विधानसभा भेजकर, और ऐसे वैसे नहीं बल्कि काशी विधानसभा क्षेत्र में अगर प्रदीप यादव का मार्जिन हो तो हमें भी गर्व हो। हम रांची से चलकर आपके बीच आए हैं, हमें लगे कि अगर हर जगह अगर कोई बढ़त हासिल हो रहा है तो सबसे ज्यादा अगर कोई कहीं जगह बढ़त हासिल हुआ है, सबसे ज्यादा मतों से सरकार के
चेहरे पर और ऊपर कोई तमाचा जा रहा है, तो उस व्यक्ति का नाम प्रतीक यादव है। इसलिए मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको बहुत समझदारी से और जब टूटने लगे हौसले, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तब तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। अब ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी, ढूंढ लेना अंधेरे में भी मंजिल अपनी। जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते, कभी मोहताज नहीं होते। हम सबको मिलकर नफरत की जो गंगा बहा रहे हैं, जो गंगा जमने की संस्कृति को तार तार कर रहे हैं, जो प्यार मोहब्बत में बदल है, जो प्रेम में लगाव है, ऐसे अहंकारी लोग, क्योंकि अंत में सिर्फ दो बात करके अपनी बात को समाप्त करेंगे, क्योंकि पुरुषोत्तम राम रोम रोम में बसते हैं। पुरुषोत्तम राम ने जब अंत किया रावण का, तो अपने छोटे भाई लक्ष्मण को कहा, जय लक्ष्मण जाओ रावण के पास और पूछो जाकर रावण से कितना शक्तिशाली रावण, कैसा अपने आप को महसूस कर रहा है। लक्ष्मण जी जाते हैं और रावण से पूछते हैं, क्या ब्राह्मण देवता है रावण, बताओ, आपको बताना होगा इस अंत में कि कैसा आपको महसूस हो रहा है। तो रावण कहता है, ये भूल हो गई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम बहुत शक्तिशाली, इतने शक्तिशाली, ज्ञान के मामले में, ताकत के मामले में, जिस मामले में भी आओ, हमसे ज्यादा शक्तिशाली कोई नहीं था, और इतनी शक्ति कि हम चाहते तो स्वर्ग तक सीढ़ी का निर्माण कर सकते थे, लेकिन हमने अपने शक्ति का दुरुपयोग किया, हमने अपने शक्ति को शक्ति नहीं समझा। हमारे अंदर आज जो ये ऐसा हो रहा है, तो एक चीज लेकर हमें डूब रहा है, समाप्त कर रहा है, और उसका नाम अहंकार है। हमें अगर आज समाप्त कर रहा है तो अहंकार समाप्त कर रहा है। अरे रघुवर बाबू, हम आपसे भी विनती कर रहे हैं, आप पुरुषोत्तम राम की नाम लेकर राजनीति करते हो, सुनो, हम मंच के माध्यम से खाली खड़ी केंद्रीय महासचिव झारखंड विकास मोर्चा ये आपसे कहते हैं कि एक बार उस सीन को जरूर देख लेना, अहंकार यो काल बहुत बुरा होता है। अहंकार जिस व्यक्ति के अंदर चला जाता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। मुख्यमंत्री महोदय, आप छत्तीसगढ़ से आए हो, मुझे पता है कि झारखंड राज्य के नौजवानों का आपको परवाह नहीं है, इसलिए अगर चलना है तो पुरुषोत्तम राम जी के बताए हुए रास्ते पर चलो, रावण के बताए हुए रास्ते पर चलोगे तो ये जनता, ये मतदाता, ये लोग जो झारखंड राज्य से प्यार करने वाले लोग हैं, ये धरती छत्तीसगढ़ वालों ने नहीं बनाया, ये धरती अगर बड़ी है तो बिरसा मुंडा ने बनाया है, ये धरती अगर बनी है तो सिद्धू कानू ने बनाया है, ये धरती अगर बनी है तो ऐसे ऐसे लोगों ने, खेत भिखारी जैसे लोगों ने बनाया है। इसलिए इस धरती के साथ मजाक मत करो, जब जब ऐसे मजाक तुम करोगे, प्रदीप यादव आगे आएगा, तुम जेल की सलाखों में भेजो, लेकिन प्रदीप यादव जैसे लोग तुमसे लड़ते रहेंगे और तुरैया हाथ में प्रदीप यादव का परचम लहराता रहेगा। मेरे साथ एक एक लोग हाथ उठाकर बुलंद आवाज में नारा लगाए, बोले प्रदीप यादव जिंदाबाद। भाई एक एक लोगों के हाथ उठने चाहिए, अगर प्रदीप यादव से प्यार करते हो तो एक एक लोग हाथ उठाओ, बोलो प्रदीप यादव जिंदाबाद, प्रदीप यादव जिंदाबाद, प्रदीप यादव मत घबराना, प्रदीप यादव मत घबराना, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद, कन्हैया चुनाव सिंह जिंदाबाद,
बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। झारखंड विकास मोर्चा जिंदाबाद। सुनमारा की धरती जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद।